आज हम आपको दिखाने वाले हैं मंडी भाव दीन का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड। हर इलाके का स्ट्रीट फूड उसकी पहचान होता है। कहीं ना कहीं स्ट्रीट फूड आवाम को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज देता है, कम पैसों में आपको एक अच्छा फूड जो कि आप पेट भर के खा सकते हैं अवेलेबल होता है। हर इलाके में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रीट फूड ज़रूर होता है जिसका उस इलाके के लोगों में क्रेज़ पाया जाता है। तो हम आपको मंडी भाव दीन का एक ऐसा फूड दिखाएंगे जिसका लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज पाया जाता है। जैसे लाहौरी और गुजरांवाला के लोग पाए खाते हैं, इसी तरह मंडी के लोग दाल चावल के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। यहाँ दाल चावल बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। अगर आप बाजार में निकलते हैं तो आपको गली के कोने में या आपको स्टार्ट में कहीं ना कहीं आपको दाल चावल का स्टॉल है जो वो जरूर दिखने को मिलेगा। इसलिए आज हम जाएंगे दाल चावल खाने और आपको भी दिखाएंगे कि कौन सी ऐसी रेसिपी है जिसकी वजह से मंडी भाव दीन के लोगों में इस कदर दाल चावल का क्रेज पाया जाता है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कामरान खान साहब दाल चावल वाले के पास और ये मंडी भाव दीन के सबसे मशहूर चावल हैं। आए हम बात करते हैं कामरान खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, आज हमें क्या खिला रहे हैं आप? दाल चावल खा रहा हूं। चलें, क्या कौन कौन सी प्लेट है आपके पास? अच्छा खान साहब, एक हमारे लिए 150 वाली प्लेट लगा दें और साथ साथ हमें बताएं कि इसकी तैयारी में कितना टाइम लगता है। सुबह आप किस टाइम उठते हैं? अच्छा, आप अकेले बनाते हैं या आप? अच्छा अच्छा, खान साहब की घर वाली भी साथ देती है। अच्छा खान साहब, इसके अलावा आपके पास क्या क्या है? दाल चावल के साथ आप क्या क्या सर्व करते हैं? सलाद है और अचार है। अच्छा अच्छा, अचार हमें दिखा दें। चलें खान साहब, एक हमें प्लेट बना के दिखा दें। सब हमें बताइएगा आप सुबह किस टाइम यहाँ पे आते हैं? सर, मैं तकरीबन 10:30-11 बजे पहुँच जाता हूँ। और किस टाइम तक आपका सारा खाना खत्म हो जाता है? अच्छा, चावलों के ऊपर दाल डालने के बाद उसके बाद बारी आएगी इसकी गार्निश की। गार्निश में खान साहब के पास प्याज और कैबिज है और इसके साथ खीरे का एक स्लाइस है और इसके बाद बारी आती है हमारे रायते की। रायते के बाद इसके ऊपर खान साहब के अपने सीक्रेट मसाले हैं। मसालों के ऊपर खान साहब ने इसके ऊपर थोड़ा सा अचार भी ऐड किया है जो कि एक बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। इस तरह हमारे दाल चावल बन के तैयार हैं। इसको ट्राई करते हैं, ट्राई करके आपको बताते हैं कि दाल चावल कैसे हैं। वाकई दाल चावल बहुत ही मज़ेदार थे। खान साहब के पास पार्सल की सहूलत भी मौजूद है जिसके लिए इनके पास डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं जिसमें वो पैक करके खाना आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। खान साहब का ये कहना है कि मंडी शहर के लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके अलावा आसपास के लोग जो दूर से आते हैं वो भी इनके पास से दाल चावल पैक करवा के लेके जाते हैं। खान साहब का ये दावा है कि उन्होंने आसपास के लोगों को जो दाल चावल खाना नहीं पसंद करते थे उनको भी दाल चावल पे लगा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।